નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, જુલ્મ કી આવાજ ન્યૂઝ ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. સમાચારમાં વાત કરીએ તો ભારત સરકારના નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ દ્વારા યુનિયન બજેટ 2019-20 રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું, જેને લઈને આજરોજ ફેડરેશન ઓફ ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીઝ FGI ખાતે આ બજેટનું સીધું પ્રસારણ અહીંના ઓડિટોરિયમ ખાતે થયું હતું, જેમાં FGIના પદાધિકારીઓ ઉદ્યોગપતિઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. અને આ બજેટ અંગેની પ્રતિક્રિયા શ્રી મનોહર ચાવડાએ આપતા જણાવ્યું હતું કે 400 કરોડ કે જો કંપનીઝ હે ઉનકા 5% કમ કિયા હે કોર્પોરેટ ટેક્સ વો હમ વેલકમ કરતે હે. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કે ઉપર ઉન્હોને બહોત જોર દિયા હે વો ભી હમ વેલકમ કરતે હે. એન્ડ આઈ થિંક ધીસ ઇઝ યે મેરે હિસાબ સે એક કાફી બેલેન્સ્ડ બજેટ હે. હા, જો હાઈ ઇનકમ ગ્રુપ હે उनके ऊपर उन्होंने ज़्यादा टैक्स लगाया है, जो पेट्रोल एंड डीजल है उसके ऊपर थोड़ा सेस बढ़ाया है उन्होंने, वो थोड़ा सा हमारे को ट्रांसपोर्ट में इफेक्ट करेगा. अदरवाइज ये बजट काफ़ी अच्छा बजट लगा है हमको. सर, जिस तरह से मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि जो होम लोन होता है उसमें जो बैचलर टैक्स का जो लिमिट है वो 2 लाख से 1.5 लाख वो अच्छा किया है उन्होंने और उससे बेनिफिट होगा, हर एक इंडिविजुअल को बेनिफिट होगा. और जो होम लोन्स जो लेते हैं उनका काफ़ी सारा बेनिफिट होगा उनको. और दूसरे भी प्रावधान ऐसा भी है कि अब जिसको टैक्स पे करना है वो पान कार्ड के अलावा आधार कार्ड से भी टैक्स पे कर पाएगा, तो इससे जो टैक्स भरते हैं वो जो रिटर्न फाइल करते हैं वो बेस डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा. डिजिटल पेमेंट पे वो नहीं किया डिजिटल पेमेंट बेसिकली उनका है कि भाई कैश का डीलिंग कम हो, इसके लिए डिजिटल पेमेंट उन्होंने एनकरेज किया है. इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव, एकदम पॉजिटिव स्टेप है जो गवर्नमेंट ने लिया है. सर, 1 करोड़ के ऊपर, 1 साल में 1 करोड़ के ऊपर कोई भी इंडस्ट्री कैश विड्रॉ करेगा उसके ऊपर 2% DDS उन्होंने जो डाला है उसके लिए आपकी क्या राय है? 1 करोड़ आज के तारीख में मेरे ख्याल से बहुत, इतने सारी कंपनियां नहीं होंगी जो विड्रॉ करती है कैश, खाली लार्ज कंपनीज करती होंगी उनके ऊपर.